रायपुर से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। महंगी बिजली के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हुई है। जी हां, बिजली महंगी हुई है, उसके खिलाफ अब बीजेपी आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। 17 अगस्त को बीजेपी लालटेन यात्रा निकालने वाली है। 17 वार्डों में ये लालटेन यात्रा निकाली जाएगी। 26 अगस्त को संपत्ति कर के मुद्दे पर नगर निगम का घेराव भी किया जाएगा। तो महंगी बिजली के खिलाफ बीजेपी अब आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। 17 अगस्त को बीजेपी लालटेन यात्रा निकालेगी। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से दे रहे हैं। 17 वार्डों में ये लालटेन यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी अब आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है महंगी बिजली के खिलाफ। वहीं ये भी जानकारी दे दें कि 26 अगस्त को संपत्ति कर के मुद्दे पर नगर निगम का घेराव भी किया जाएगा। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां महंगी बिजली के खिलाफ बीजेपी अब आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। सुप्रिया, महंगी बिजली के खिलाफ अब बीजेपी ने रणनीति बना ली है लालटेन यात्रा निकालने के लिए। जी बिल्कुल, बीजेपी ने अब रणनीति बना ली है। आंदोलन की एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें महंगी बिजली के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन 17 तारीख को किया जाएगा। इसके अलावा संपत्ति कर का विरोध भी बीजेपी करेगी और 26 तारीख को नगर निगम मुख्यालय का घेराव भी करेगी। इसके अलावा सितंबर के दूसरे सप्ताह में भी जो मुद्दे हैं वो भी बीजेपी प्रदेश की सरकार को घेरेगी। जैसे बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसके अलावा ये भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से डेंगू से मौत हो रही है, मौत के बाद भी प्रशासन जो है वो गहरी नींद से जागा नहीं है। हमने कल स्थिति का जायजा भी लिया था और देखा भी था कि डेंगू से एक बच्ची की मौत हो जाती है, उसके बाद प्रशासनिक अमला उसके घर जाता है और पूछताछ करता है। तो इस तरीके से ये तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रदेश में बीते दिनों देखा था कि कांग्रेस की सरकार लगातार पीएम मोदी को घेरने के लिए नई नई रणनीतियां बना रही थी और लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी था। पीएम मोदी को महंगाई के मुद्दे पर लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा घेरा जा रहा था। पीसीसी से निर्देश दिए गए थे कि आप प्रदर्शन करें। तो इस तरीके से अब बीजेपी को भी हंटर पड़ रहा है। डी पुरंदेश्वरी लगातार यहां पर दौरे पर आ रही हैं और जब से डी पुरंदेश्वरी का दौरा है तब से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता अब सक्रिय नजर आ रहे हैं और उन्हीं के आदेशानुसार ये जो बीजेपी है वो आक्रामक होती दिखेगी। जी, और पूरी रणनीति भी इस बार बीजेपी ने तैयार कर ली है।